नमस्कार दोस्तों, क्या आपके भी मोरपो की आरडी सर्विस एक्सपायर हो गई है? वन टाइम टोकन दिखा रहा है, बार बार ऐसे में आ रहा है। तो आपको इस वीडियो में दिखाएंगे कि आपको मोरपो की आरडी सर्विस कैसे परचेज करनी है, कैसे रिचार्ज करनी है। और आपके मोरपो का सीरियल नंबर पीछे से मिट गया है, तो आप ऑनलाइन आपका अपना सीरियल नंबर कैसे पता करेंगे, आपका मोरपो का सीरियल नंबर क्या है, और कंप्यूटर से ही बताएंगे सीरियल नंबर और मोबाइल से भी बताएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। आपको कई सारे एरर दिखाई दे रहे होंगे, जैसे वन टाइम टोकन का, डिवाइस रजिस्ट्रेशन फेल्ड का, और मोरपो के बहुत सारे एरर दिखाई देते हैं। कुछ एरर तो कंप्यूटर की सेटिंग करने से ही ठीक हो जाते हैं, मगर कुछ एरर ऐसे होते हैं जिनको रिचार्ज करने पर और ये मोरपो की आईडी सर्विस खरीदने पर ही ठीक होते हैं। जैसे वन टाइम टोकन सबसे नॉर्मल सा एक एरर है, इसको ठीक करते हैं किस तरह से होता है, और आपको मोरपो की आईडी सर्विस किस तरह से करनी है, चलिए देखते हैं। कंप्यूटर या मोबाइल के किसी भी ब्राउजर में गूगल पर सर्च करेंगे मोरपो आरडी सर्विस। सर्विस के बाद क्लिक करने के बाद सबसे पहली वेबसाइट होगी, उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद सबसे ऊपर जो आपको लिखा हुआ होगा फाइंड सीरियल नंबर, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद नीचे देख सकते हैं आपको जो भी डाउनलोड एंड इंस्टॉल आरडी सर्विस। पहले सबसे पहले आपको आरडी सर्विस इंस्टॉल करने के लिए अपने हिसाब से जो HTTPV और कुछ लोकल होस्ट, कुछ में 0 पैन वाली मोरपो चलती है, यानी कि कुछ सर्विसेज ऐसी होती हैं, UTI का पैन कार्ड हुआ है, पेमेंट निकालना हुआ, 0 1 पे चलती है, कुछ 1 पे चलती है, अपने हिसाब से डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद आपको मोरपो अपने सिस्टम में लगा लेंगे। जैसे मोरपो सिस्टम में लगाओगे तो उसमें जो मोरपो का फोल्डर होता है उसमें एक ऑप्शन होता है मोरपो आरडी सर्विस के नाम से, उसे अपने किसी ब्राउजर में ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद आपको आरडी सर्विस पे क्लिक करना है। आरडी सर्विस पे क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का पेज ओपन होगा, इस पेज को आपको ओके कर देना। फिर आपको यहाँ पे डिवाइस इन्फो पे क्लिक करना है। जैसे आप डिवाइस इन्फो पे क्लिक करोगे तो और यहाँ आपके मोरपो का सीरियल नंबर दिखा देगा। जैसे ही आपको सीरियल नंबर यहाँ दिखा दे, आपको इसको नोट कर लेना है। नोट करके यहाँ पर क्लिक हेयर पे क्लिक करके आरडी सर्विस खरीद लेनी है। चलिए आप बता देते हैं मोबाइल में कि आपको किस तरह से करना है। आप सबसे पहले अपने प्ले स्टोर में जाएंगे। प्ले स्टोर में जाने के बाद मोरपो आरडी सर्विस का एक ऐप डाउनलोड करेंगे, यानी आरडी सर्विस का एक ऐप होता है। इसको डाउनलोड करने के बाद मैंने पहले से डाउनलोड कर रखा है, मैं सीधे ओपन करूँगा। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर अपनी मोरपो डिवाइस लगा लेनी है, कनेक्ट कर लेनी है अपने मोबाइल से। मोरपो डिवाइस कनेक्ट कर लेनी है। कनेक्ट करने के बाद आपको ये जहाँ से एक यहाँ पर क्लिक करना है, आई बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे आपके सीरियल नंबर, जो भी आप जैसे भी आपकी मोरपो है, मोरपो का E2 E3 जो भी आपका मॉडल है मोरपो का, एक तरफ डिवाइस मॉडल दिखा देगा और दूसरी तरफ डिवाइस सीरियल नंबर दिखा देगा। यहाँ से आप कॉपी भी कर सकते हैं सीरियल नंबर को। यहाँ से आप अपने मोरपो की वैलिडिटी चेक कर सकते हैं। अगर आपकी पहले से ही वैलिडिटी खरीदी हुई है, आपकी कितनी बची है वो चेक करना चाहते हैं, कितनी बची हुई है, या आपकी मोरपो वाइड लिस्टेशन में है या नहीं है, यहाँ से चेक कर ले सकते हैं। या आपको यहाँ सीरियल नंबर डाल देना है, सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपको एक बार और सबमिट पे क्लिक करना है। नीचे लिखा हुआ आ जाएगा डिवाइस सीरियल नंबर इज वैलिड। एक बार और क्लिक करोगे तो नीचे लिखा आ जाएगा आपकी वैलिडिटी कितनी और बची है, आपको कितने समय के बाद इसको रिचार्ज करना है या एक्सपायर हो गई है। यहाँ सब कुछ दिखा देगा, कहाँ कब आपने कब खरीदी थी और कब तक चलेगी, आपकी डिवाइस वेट लिस्टेड में है या नहीं है, ये पहले से ही हमारी ऑटोमेटिक खरीदी हुई है, हमारी वाइट लिस्टेड में नहीं है, ये ऑलरेडी है, हमने अभी हमारी 2025 तक चलेगी। यहाँ से आप अपना चेक कर सकते हैं आपकी वैलिडिटी कब तक बची हुई है, आप बची हुई पहले ही खरीद सकते हैं। फिर आपको अपनी मोरपो की आरडी सर्विस खरीदने के लिए, अगर आप पहले से ही आईडी बना रखी है, तो आपको यहाँ यूजर नेम और आपको पासवर्ड डाल के साइन इन कर लेना है। अगर आपने पहले से ही आईडी नहीं बना रखी है तो आपको न्यू यूजर पे क्लिक करना है, क्रिएट न्यू यूजर पे। फिर आपको यहाँ मेल आईडी डालनी है। फिर मेल आईडी डालने के बाद आपको सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ ओटीपी वेरीफाई कर लेना है। जैसे आप ओटीपी वेरीफाई करोगे तो एक तरफ आपका नाम और ऊपर ईमेल आईडी पहले से वेरीफाई हो जाएगी, फिर एक दूसरी तरफ लास्ट नेम, फिर आपका मोबाइल नंबर, फिर आपका पासवर्ड और किस लिए आप खरीदना चाह रहे हो मोरपो की आरडी सर्विस, वो यहाँ पे रीजन डाल देना है। चलिए बता देता हूँ किस तरह का रीजन आपको फिल करना है। अगर आप CSC चलाते हैं तो CSC e-governance यहाँ से ऑप्शन होएगा, उसको सेलेक्ट कर लेंगे। या आप किसी बैंक के लिए आरडी सर्विस खरीदना है तो अपना बैंक भी सेलेक्ट कर लेंगे। जिस भी काम के लिए आप आरडी सर्विस खरीदने जाते हैं वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। फिर अपने एरिया का पिन कोड डाल लेंगे, चेकबॉक्स पर क्लिक करके क्रिएट पर क्लिक कर देंगे। और इसका आपने जो पासवर्ड बनाया था और जो आपने जो मेल आईडी डाली थी, आपका अकाउंट क्रिएट हो गया है। तो आप पेज खोलकर आ जाएगा। पेज खोलने के बाद आपको नीचे
यहाँ आई बॉक्स पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको सीरियल नंबर यहाँ कॉपी कर देना है, यानी कि आपने जो सीरियल नंबर अभी कॉपी किया था यहाँ पेस्ट कर देना है और अपना मॉडल सेलेक्ट कर लेना है, E2 है, E3 है, जो भी आपका मॉडल हो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। चलिए पहले मैं एक साल की रिवेलिडिटी बता देता हूँ कितने की है। पहले सीरियल नंबर अभी हमने यहाँ पेस्ट किया, फिर मॉडल नंबर पेस्ट किया, फिर आपको एक साल की वैलिडिटी ₹375 प्लस GST लग रही है। आप यहाँ इसके GST जोड़ने के बाद लगभग ₹475 के करीब हो जाएगी। अब यहाँ हम एक साल की ना लेके हम 2 साल की भी चेक कर देखते हैं हमको कौन सी सस्ती पड़ रही है। यहाँ हम 2 साल की खरीदेंगे तो ₹575 की 2 साल की RD सर्विस है, इसमें प्लस GST लगेगी, लगभग ये 685 या 75 रुपये के करीब पड़ेगी। यानी कि कुल मिला के अगर हम देखा जाए तो एक साल की हमें महंगी पड़ती है और 2 साल की खरीदने में ही हमको फ़ायदा है, 2 साल में हमें सस्ती पड़ जाती है। एक साल की 375 की पड़ रही है और 2 साल की RD सर्विस 575 की पड़ रही है, GST ₹100 की, ये ₹125 की GST पड़ती है, ये मिला के 675 या 685 की 2 साल की हो जाती है और 1 साल की 485 की। तो हमको अधिकांश 2 साल की ही खरीदनी चाहिए क्योंकि हमारा काम है कंटिन्यू चलने वाला काम है, तो इसको 2 साल की खरीदने में कोई नुकसान नहीं है। अगर इसका इतना काम नहीं है, कभी का आपका काम है, कभी यूज कर लिया है, तो आप 1 साल का भी खरीद सकते हैं। नहीं तो आप अगर आपका लगातार कंटिन्यू काम है तो 2 साल का ही खरीदे, मैं बेस्ट ऑप्शन दूंगा आपको, आपको सस्ती भी पड़ेगी और बार बार इस दिक्कत का सामना भी करना नहीं पड़ेगा। नहीं तो आप बार बार हर साल यही दिक्कत देखोगे कि यार मेरा रिचार्ज खत्म हो गया, उसको रिचार्ज करो, 1 टाइम टोकन, और आपके काम में भी दिक्कत आएगी। हम 2 साल की खरीदते हैं, 2 साल के बाद सेलेक्ट करने के बाद आपको सीरियल नंबर डाल देना है, सीरियल नंबर डालने के बाद आपको मॉडल नंबर डाल देंगे, मॉडल नंबर डालने के बाद सारी डिटेल फिल कर देनी है। आप अगर पहली बार आप सर्विस खरीद रहे हैं तो आपको साइनअप करना है, साइनअप अगर पहले से आईडी बनी हुई है आपकी तो लॉगिन करना है, साइनअप करने कुछ नहीं, नाम, ईमेल आईडी और पता होता डलता है और कुछ नहीं। आप देख सकते हैं यहाँ 2 साल की मेरी ₹678 की है, ₹678 का पेमेंट किसी भी UPI के माध्यम से, नेट बैंकिंग के माध्यम से करा लेना है। जैसे ही कराने के बाद आपको इस तरह का मैसेज आ जाएगा, रजिस्ट्रेशन नेम बायोमेट्रिक सीनियर UDI करके, थैंक यू रविंद्र कुमार, ये मेरी खुद की है, पर्सनल डाटा नेम क्या है, मैं खुद ओपन कर रहा हूँ, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये आपकी RD सर्विस 2 साल की खरीदी गई, आप देख सकते हैं इस तरह का हमारे पास मैसेज आ रहा था 1 टाइम टोकन का। अब देखते हैं सक्सेसफुली का मैसेज किस तरह से आता है, ये खरीदने के बाद हमारी सक्सेसफुली चल गई है, आपको दिखा देता हूँ किस तरह से सक्सेसफुली आता है। टाइम और डेट सब कुछ सेलेक्ट करने के बाद, सबको ठीक करने के बाद, मेरे और मोरपो की RD सर्विस खरीदने के बाद, रिचार्ज करने के बाद मेरे कंप्यूटर में इस तरह का मैसेज शो होने लगा है, यानी कि मेरी मोरपो सक्सेसफुली मेरे कंप्यूटर में इंस्टॉल हो गई है और सही से काम करने लगी है। धन्यवाद।